आइए किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि वर्षा क्या होती है। प्रिसिपिटेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्षा बरसात को कहते हैं, जो कि अक्सर 15 जून से स्टार्ट हो जाती है बरसात। लेकिन खेती किसानी के मामले में वर्षा को बेहतर तरीके से जानना यह हम सारे किसान भाइयों की फ़र्ज बनता है। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर वर्षा ज़्यादा होती है या फिर वर्षा कम होती है, हमारे भारत में भी यह कहा गया है कि भारतवर्ष की जो किसानी है, खेती किसानी है, एग्रीकल्चर है, वो मानसून का जुआ बोलते हैं। कब ज़्यादा बारिश हो जाए, कब कम बारिश हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बरसात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी खेती को करते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि बरसात का मौसम है तो इससे हमारे फसलों को क्या नुकसान होगी, इससे हमारी ज़मीनों भूमियों को क्या नुकसान होगी, उसके बारे में जानेंगे और उससे अपनी ज़मीनों को बचाव करेंगे, उसकी वो अपनी ज़मीनों की बचाव करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी भारत देश में भूमि कटाव की जो समस्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉयल इरोजन इन इंडिया कॉज्ड बाय वाटर, वर्षा का बूंद जैसा कि आप देख रहे हैं रोड पे गिर रहा है, जब तो देख ही रहे हैं आप वीडियो में, जैसा कि आप देख रहे हैं, यही वर्षा जब मिट्टी पे गिरती है तो वो एक संघात की तरह अटैक करती है और मिट्टी को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहा ले जाती है। आज हम वर्षा के बारे में जानेंगे। वर्षा की बूंद जो होती है, प्रॉब्लम ऑफ रेन ड्रॉप इन रेल एरोजन, बरसती बूंद बहती हुई क्षुद्र या अधिक सामग्रीकृत रूप से कहे तो पृष्ठ अपवाह, सरफेस रनऑफ द्वारा भूमि कटाव की समस्या संपूर्ण देश में है। फिर भी खास तौर से दक्षिण भारत में, या यो कहें कि समूचे भारत में, यानी पूरे भारत में वनों की कटाई जो धड़ल्ले से हो रही है, सबसे पहले हमारे किसान भाई इस पे ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं, ताकि हमारी वर्षा से जो मिट्टी कटती है उसको रोका जा सके। जो धड़ल्ले से फॉरेस्ट फिलिंग होती है, इसके कारण कटाव की समस्या भयंकर रूप लेने लगी है।